नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। 2022 में होने वाले आईपीएल का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतज़ार है और इससे भी ज़्यादा इंतज़ार है 2022 में होने वाले आईपीएल के महा ऑक्शन का, जो इसी साल दिसंबर महीने में आयोजित होगा। इस ऑक्शन में बड़े बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिन्हें खरीदने के लिए टीमों के बीच होड़ देखने को मिलेगी। आईपीएल में दो नई टीमों के जुड़ने से पहले से ही काफ़ी हाइप बनी हुई है और अब इसके राइट्स खरीदने के लिए भी अच्छी खासी जंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस बार कोरोना के बीच आईपीएल मीडिया राइट्स के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की कमाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात करें हाल ही में नीलाम हुई दोनों टीमों से मिली रकम की, तो बीसीसीआई को 12,725 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यानी कि अगर आईपीएल के राइट्स 40,000 करोड़ के बिकते हैं तो इस सीजन में भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस टी20 लीग से करीब 52 करोड़ की कमाई कर सकता है। आपको बता दें कि बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल राइट्स के टेंडर निकालेगा, जिसके 40,000 करोड़ में बिकने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि ये रकम पिछली मिली रकम से 3 गुना होने वाली है। मौजूदा समय में साल 2022 तक बीसीसीआई को आईपीएल मीडिया राइट्स से अब तक 16,347 करोड़ रुपये की कमाई होती थी, मगर अब इसके राइट्स को 40,000 करोड़ में अगले आने वाले 5 साल यानी कि 2023 से 2027 तक बेचने का मन बना लिया है। ये बताता है कि भारत में क्रिकेट को लेकर, खासकर आईपीएल को लेकर, दीवानगी अलग ही लेवल की है, जो बीसीसीआई को 50,000 करोड़ से ज़्यादा की भी कमाई करवा सकता है। अब ये देखना होगा कि बीसीसीआई कब तक आईपीएल के अगले 5 सालों के टेंडर जारी करता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।